दोस्तों, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपसे कहा जाए कि आप हवाई जहाज नहीं बल्कि बस में बैठकर विदेश जाएंगे तो सोचो आपको कैसा लगेगा। आपको बता दें कि ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच में एक हकीकत है। 15 अप्रैल सन 1957 के आसपास भारत में एक ऐसी सड़क तैयार की गई थी जो कोलकाता से सीधी लंदन जाती थी। ये दुनिया का सबसे लंबा रोडवे था और इस रूट पे एल्बर्ट नामक बस चला करती थी जो यात्रियों को कलकत्ता से सीधा लंदन ले जाती थी। दोस्तों, लंदन पहुंचने के लिए बस को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। ये बस कलकत्ता से होते हुए बनारस, बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से होते हुए लाहौर जाती थी। आगे ये बस लाहौर से होते हुए रावलपिंडी, रावलपिंडी से होते हुए काबुल, काबुल से होते हुए कंधार, कंधार से होते हुए तहरान और तहरान से होते हुए इस्तांबुल और इस्तांबुल से होते हुए बल्गेरिया, बल्गेरिया से होते हुए वियना और वियना से होते हुए वेस्ट जर्मनी, जर्मनी से होते हुए बेल्जियम और बेल्जियम से होते हुए लंदन पहुंचती थी। इस सफर को तय करने के लिए लगभग 3 महीनों का समय लग जाता था। दोस्तों, लंदन पहुंचने के लिए इस बस को टोटल 32,670 किलोमीटर चलना पड़ता था। सफर के दौरान बस में यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाएं जैसे कि बुक्स, रेडियो, पंखे, हीटर, खाने पीने का सामान आदि दिया जाता था। जिस समय यह सफर शुरू हुआ था उस समय बस का किराया 8,000 रुपये के आसपास था और जिस समय यह सर्विस बंद हुई थी उस समय यह किराया 13,000 के आसपास पहुंच चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि कलकत्ता से लंदन जाने की यह बस सर्विस सन 1973 में बंद कर दी गई थी और इसका खास कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव था। दोस्तों, आप चाहे कितने भी गोरे रंग के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका जन्म भारत या दूसरे एशियाई देशों में हुआ है तो भगवान कसम आपके प्राइवेट पार्ट्स का रंग काला या डार्क ही होगा। इसके बारे में आपने सोचा तो जरूर होगा, लेकिन इसका कारण जानने की कोशिश नहीं की होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्यों हमारे प्राइवेट पार्ट्स का रंग काला होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। दोस्तों, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के डार्क होने का कारण है हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स। जब हम बचपन से जवानी की ओर बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद हार्मोन्स में तेज़ी से बदलाव आने लगता है। हार्मोन्स में आने वाले ये बदलाव हमारे शरीर में मौजूद मेलानोसाइट्स नामक सेल्स को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि मेलानोसाइट्स वो सेल होते हैं जो हमारे शरीर में मेलानिन का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा उतना ही डार्क हमारा स्किन कलर होगा। दोस्तों, मर्दों और औरतों के शरीर में दो तरह के सेक्स हार्मोन होते हैं जो एक मर्द और औरत के बीच का अंतर सुनिश्चित करते हैं। मर्द के शरीर में बनने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन और औरत के शरीर में बनने वाले हार्मोन्स को एस्ट्रोजन कहा जाता है। जब मर्द और औरत जवान होते हैं तो ये हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, जिसके चलते मेलानोसाइट्स ज़्यादा मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और ये एक्स्ट्रा मेलानिन हमारे प्राइवेट पार्ट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसी कारण जवानी में हमारे प्राइवेट पार्ट्स का रंग डार्क होने लगता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स का ब्लैक होना हमारी बॉडी में मौजूद मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। एशियाई कंट्रीज में साल के ज़्यादातर महीनों में धूप ही रहती है और हमारी स्किन में मौजूद मेलानिन ही वो सुरक्षा कवच है जो हमारी स्किन को धूप से जलने से बचाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में धूप बहुत कम पड़ती है, जिसके चलते अंग्रेजों में मेलानिन की मात्रा बहुत कम यानी ना के बराबर ही होती है। ये लोग जब जवान होने लगते हैं तो हम एशियाई लोगों की तरह उनके प्राइवेट पार्ट्स में मेलानिन इकट्ठा नहीं हो पाता, जिसके चलते उनके प्राइवेट पार्ट का रंग एशियाई लोगों की तुलना में साफ ही रहता है। दोस्तों, टी सीरीज का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज की डेट में टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर इसके 23 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर टी सीरीज में टी का क्या मतलब है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टी सीरीज़ में टी का मतलब त्रिशूल होता है। आज टी सीरीज़ भारत की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी है। टी सीरीज़ की शुरुआत गुलशन कुमार ने की थी। गुलशन कुमार भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत थे। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कंपनी का नाम टी सीरीज़ रखा था। अपने शुरुआती दिनों में टी सीरीज़ सिर्फ धार्मिक भजन कीर्तन आदि की रिकॉर्डिंग ही करवाती थी, लेकिन आज की डेट में इस कंपनी के अंडर हर तरह का काम होता है, चाहे वो मूवीज हो या फिर फिल्मी गाने। दोस्तों, आपको बता दें कि गुलशन कुमार की हत्या के बाद अब उनके बेटे भूषण कुमार इस कंपनी को चला रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टारबक्स की। स्टारबक्स वैसे तो एक नॉर्मल कॉफी शॉप है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग यहाँ
कॉफी पीना एक स्टेटस सिंबल समझते हैं। सो दोस्तों, कैसे एक नॉर्मल फैमिली से उठकर एक आदमी ने न्यूज़पेपर बेचकर एक कॉफी के बीज बेचने वाली कंपनी को आज इतना बड़ा कॉफी हाउस यानी कि स्टारबक्स कंपनी बना दिया। आज स्टारबक्स के पूरी दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। दोस्तों, स्टारबक्स की शुरुआत सन 1971 में तीन दोस्तों ने मिलकर की थी, जिनके नाम थे गॉर्डन वॉकर, जेफ सेगल और जेनी बेल्विन। दोस्तों, स्टारबक्स की शुरुआत यूएस के सिएटल शहर से की गई थी। उस समय स्टारबक्स कॉफी नहीं बल्कि कॉफी बीन्स, टी मसाले जैसे सामान को बैग्स और कैंस में भरकर बेचा करता था। दोस्तों, आज के समय में भी स्टारबक्स का कॉफी बीन्स और टी मसाले बेचने का ही बिजनेस होता अगर सन 1986 में हॉवर्ड स्कल्स स्टारबक्स के सीईओ ना बने होते। असल में दोस्तों, हॉवर्ड सी वो इंसान है जिसने इस कंपनी को तरक्की करवाई। हॉवर्ड के बारे में आपको बता दें कि उनका जन्म 19 जुलाई सन 1953 में यूएसए में हुआ था और वो एक बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। हॉवर्ड ने 12 साल की उम्र में ही न्यूज़पेपर बेचने शुरू कर दिए थे और साथ में वो एक कैफे में भी काम करते थे। सन 1981 में हॉवर्ड्स पहली बार स्टारबक्स के उन तीन मालिकों से मिले थे जिन्होंने स्टारबक्स की शुरुआत की थी। सन 1982 में हॉवर्ड्स ने स्टारबक्स में काम शुरू किया और कुछ समय बाद वो वहां के चेयरमैन भी बन गए। सन 1983 में हॉवर्ड को काम के सिलसिले से इटली जाना पड़ता है और यहाँ आकर वो देखते हैं कि यहाँ के लोग कॉफी को मजे लेकर पी रहे हैं। यहां से उनके दिमाग में स्टारबक्स में कॉफी बेचने का आइडिया आता है। उन्होंने अपने मालिक से कहा कि हम कॉफी बीन्स के साथ साथ कॉफी बेचना भी शुरू करेंगे। शुरू में स्टारबक्स के मालिकों ने इस आइडिया को अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद हॉवर्ड के जोर लगाने पर वो कॉफी बेचने के लिए राजी हो गए। कुछ समय तक तो स्टारबक्स में कॉफी बेचने का बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में स्टारबक्स के ओनर्स ने कॉफी बेचना बंद कर दिया। इसके बाद सन 1985 में हॉवर्ड्स ने स्टारबक्स को छोड़ दिया। स्टारबक्स छोड़ने के बाद हॉवर्ड ने ये आइडिया बहुत सारे लोगों को दिखाया, लेकिन किसी ने भी हॉवर्ड के इस आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद हॉवर्ड ने खुद ही पैसे इकट्ठे करके इल जियोर्नल नाम का कैफे शुरू किया। यहाँ उनकी कॉफी को लोग काफी पसंद करने लगे। सन 1987 में स्टारबक्स दोबारा हॉवर्ड के पास आया क्योंकि कंपटीशन और लॉस के कारण स्टारबक्स के ओनर इसको बेचना चाहते थे। हॉवर्ड ने एक बार फिर इन्वेस्टर के पास जाकर स्टारबक्स का आइडिया रखा। हॉवर्ड ने इन्वेस्टर से 28 करोड़ रुपए लिए और स्टारबक्स को खरीद लिया। इसके बाद हॉवर्ड ने इल जियोर्नल और स्टारबक्स को ज्वाइंट करके जगह जगह स्टारबक्स के कैफे खोलने शुरू कर दिए। सन 1992 तक पूरे अमेरिका में हॉवर्ड ने स्टारबक्स के 165 कैफे खोल दिए और सन 2000 आते आते पूरी दुनिया में स्टारबक्स के 2000 से ऊपर कैफे खुल गए। सन 2000 से लेकर 2015 तक पूरी दुनिया में स्टारबक्स के 3500 से ऊपर कैफे खुल गए और इनकी साल की इनकम 69,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। दोस्तों, भारत में स्टारबक्स को टाटा ग्रुप 50-50 जॉइंट्स के तौर पर ओन करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई कस्टमर स्टारबक्स की कॉफी खरीदता है तो कॉफी के ग्लास में उस कस्टमर का नाम लिख दिया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा करने के पीछे स्टारबक्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। दरअसल, जब स्टारबक्स हमें हमारा नाम लिखा हुआ कॉफी का कप देता है तो हम अपना नाम देकर खुश हो जाते हैं और नाम लिखे हुए कप की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। ऐसा हर दिन हजारों कस्टमर करते हैं जिससे स्टारबक्स की फ्री में प्रमोशन हो जाती है और वो दुगना मुनाफा कमाती है। दोस्तों, स्टारबक्स के लोगो की बात करें तो इसका लोगो समय मुताबिक काफी बार चेंज हुआ है, लेकिन उसमें जो लड़की है वो वही की वही है। आखिर स्टारबक्स के लोगो में जो लड़की है उसकी क्या स्टोरी है? दोस्तों, आपको बता दें कि ये लड़की ग्रीक मैथोलॉजी का एक करेक्टर है जो कि 16th सेंचुरी में मरमेड यानी कि समुद्र में रहने वाला एक फिक्शन करेक्टर है। दोस्तों, इस मरमेड यानी कि जलपरी की हिस्ट्री यह है कि समुद्र में जीव पकड़ने वाले इस जलपरी को खोजने की काफी इच्छा रखते थे और उसे पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में चले जाते थे, लेकिन वापस नहीं आ पाते थे। इसलिए स्टारबक्स ने इस मरमेड को अपना लोगो चुना ताकि लोग एक बार स्टारबक्स में आने के बाद इसके ऐसे दीवाने हो जाएं कि वहां बार बार आने की इच्छा जाहिर करते रहें। दोस्तों, आपने अक्सर
देखा होगा कि जो फिश मार्केट्स होती हैं उनके आसपास मरी हुई मछलियों की इतनी तेज बदबू आती है कि वहां खड़ा तक नहीं हुआ जाता। जो लोग मछली खाते हैं मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा दरअसल दोस्तों क्यों होता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों मछली जब तक जीवित रहती है उसके शरीर में किसी तरह की कोई बदबू नहीं आती, लेकिन जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तब ही मछली से बदबू आने लगती है। आपको बता दें कि मछलियों में ट्राइमिथाइल अमाइन एनोक्साइड नाम का एक केमिकल होता है और जब मछली मर जाती है तो ये केमिकल ट्राइमिथाइल अमाइन में बदल जाता है जिसकी काफी ज्यादा दुर्गंध होती है। यही कारण है कि मछली तथा पानी में रहने वाले किसी भी जीव की बॉडी से अजीब तरह की दुर्गंध आने लगती है। दोस्तों ये बदबू जितनी ज्यादा तेज होगी मछली की मृत्यु का समय भी उतना ही अधिक होगा। ये भी एक तरह का कारण है कि बाजार में मछली को ताजी और बासी पुकारा जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्राइमिथाइल अमाइन एनोक्साइड ही वो केमिकल है जिसके कारण समुद्री जीवों की कोशिकाएं नष्ट नहीं होती और वो पानी में जीवित रह पाते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।